It is two mixed questions from the different chapters. First of all, rationalize. (4√3) plus (5√2) (√48) plus (√88). 4√3 plus (5√2) (√48) over (√18). We have to rationalize the denominator. Chaliye, let us do. This is 4√3. Plus 5√2, √48 plus √18, multiply, changing the sign, √48 minus √18 over √48 minus √18. So first of all, अभी हम multiply करेंगे ऊपर. This is 4√3. Plus 5√2 into √48 minus √18 over √48 plus √18, √48 minus √18. अब यहाँ पे आपने जब मल्टीप्लाई करना है, एक चीज का ध्यान रखना, when you're multiplying, अगर इस ब्रैकेट में जो नंबर्स हैं अंडर द रूट, अगर आप उनको छोटे नंबर्स में ब्रेक कर सकते हो, then you should. So it will be 4√3. Plus 5√2, it will be 16√3, and this will be 9√2. I want कि इस square root में से मैं perfect square जो है उसको बाहर ले लूँ, ठीक है? Perfect square को हमें बाहर निकालना है. So this becomes a plus b a minus b, a square minus b square. This will be 4√3 plus 5√2. And this is again 4√3 minus 3√2. ठीक है, इसमें से 16 में से 4 बाहर आ गया, अंदर बचा √3, √9 में से 3 बाहर आ गया, अंदर बचा √2. Square and root get cancelled. 48 minus 18. So you will be having 4√3 plus 5√2 into 4√3. माइनस 3√2 ओवर 30. अब ऊपर हम इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे. वी नो दैट हाउ टू ओपन द ब्रैकेट. फर्स्ट ब्रैकेट्स फर्स्ट नंबर, सेकंड ब्रैकेट एज इट इज, फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड नंबर विद साइन, एंड द सेकंड ब्रैकेट एज इट इज ओवर 30. फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर, सेकंड ब्रैकेट एज इट इज, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर अलोंग विद साइन, एंड द सेकंड ब्रैकेट as it is. So brackets को open करेंगे, multiply करेंगे. So पहले इसको इससे करो, 4√3 into 4√3 plus minus minus 4√3 into 3√2 plus 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 5√2 into 4√3 plus minus minus 5√2 into 3√2 ओवर 30. अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, दिस बिकम 16 √3 इनटू 3 3, दिस विल बिकम 48. दिस इज 12 √3 इनटू √2 √6 प्लस 5 4 20 √6, 5 3 15 इनटू √2 √2 2 बन जाएगा, 15 इनटू 2 30. देख लो कैलकुलेशन, देखो, चेक द कैलकुलेशंस. सो दिस विल बी इक्वल टू 48 माइनस 30 विल गिव यू 18. Plus minus minus 20√6 minus 12√6 is 8√6. Bigger one is 20. Sign of plus. This is answer. Next question.
एक्स इज इक्वल टू वन प्लस रूट टू फाइंड एक्स माइनस वन बाय एक्स होल क्यूब. एक्स इज इक्वल टू वन प्लस रूट टू फाइंड एक्स माइनस वन बाय एक्स रेस टू पावर थ्री. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड वन बाय एक्स. पहले शुरू में माइनस नहीं करना, जब आपके पास रूट वाले टर्म्स हैं और वन बाय एक्स कहीं आपको दिख रहा है विद इन योर यू कैन से कैलकुलेशन, देन फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड वन बाय एक्स. वन बाय एक्स इज दिस, सो इसको आप रैशनलाइजिंग करो डिनोमिनेटर को. दिस इज वन माइनस रूट टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. वन माइनस रूट टू वन माइनस टू. वन माइनस रूट टू ओवर माइनस वन. इस माइनस वन को ऊपर ले जाओ. माइनस वन प्लस रूट टू, ये आ गया माइनस वन प्लस रूट टू. राइट, नाउ यू वॉन्ट टू फाइंड एक्स माइनस वन बाय एक्स का क्यूब. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड एक्स माइनस वन बाय एक्स. एक्स माइनस वन बाय एक्स इसका क्यूब. पहले हम इसको फाइंड कर लेते हैं एक्स माइनस वन बाय एक्स को. रिप्लेस द वैल्यू. एक्स इज वन प्लस रूट टू माइनस वन बाय एक्स इज माइनस वन प्लस टू. सो वन प्लस रूट टू प्लस वन माइनस रूट टू get cancelled. This becomes 2. We want x minus 1 by x cube. This is 2 cube and that is 8. So the answer is 8. Is the answer. Yes? ये वाला step. ये multiply once. ये वाला माइनस वन आया, इस माइनस को ऊपर कर दिया वन के साथ, माइनस बन गया माइनस माइनस प्लस रूट टू. माइनस को एडजस्ट किया. पुलिस का पार्ट हमने एक्स माइनस वन बाय एक्स का क्यूब निकालना था, तो मेरे पास वन बाय एक्स आ गया. पहले मैंने एक्स माइनस वन बाय एक्स निकाल लिया, फिर उसका क्यूब कर दिया. क्यूब करके हमारे पास आंसर आया 8. नेक्स्ट सिक्स ओवर थ्री रूट टू माइनस टू रूट थ्री. सिक्स ओवर थ्री रूट टू माइनस टू रूट थ्री इज इक्वल टू थ्री रूट टू माइनस ए रूट थ्री. फाइंड ए. ए की वैल्यू फाइंड हम क्या करेंगे इसमें भी रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर. सो दिस विल बी सिक्स थ्री रूट टू माइनस टू रूट थ्री मल्टीप्लाई थ्री रूट टू प्लस टू रूट थ्री ओवर थ्री रूट टू प्लस टू रूट थ्री. चलिए इसको सॉल्व करते हैं फिर इक्वेट करेंगे. ठीक है, चलो ये बना आपके पास सिक्स इंटू थ्री रूट टू प्लस टू रूट थ्री ए माइनस बी ए प्लस बी. द आंसर इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. दिस इज 18 रूट टू प्लस 12 रूट थ्री. पहले ऐसे ही रहने दो, बाद में देखते हैं शायद कैंसिल हो जाए. सिक्स इंटू थ्री रूट टू प्लस टू रूट थ्री. स्क्वेयर दोनों को मिलेगा, थ्री को मिला, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन टू जा 18, टू टू जा फोर, फोर थ्री जा 12. So you will be having 6 into 3 root 2 plus 2 root 3 over 6. तभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था क्योंकि नीचे से अगर कैंसिल हो जाए तो वह और आसान हो जाता है. 6 6 get cancelled. 3 root 2 plus 2 root 3. This is 3 root 2 plus 2 root 3. यह है आपके पास. अब इसको इसके इक्वल इक्वेट करो. दिस इज इक्वल टू थ्री रूट टू माइनस ए रूट थ्री. दिस गेट कैंसल्ड. दिस इज टू रूट थ्री
माइनस ए रूट थ्री, रूट थ्री कट, ए कम्स आउट टू बी माइनस टू, वैल्यू ऑफ ए इज माइनस टू. बच्चे माइनस ए है ना, तो माइनस को उधर दे दिया या मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से, सो ए की वैल्यू माइनस, हमें एक ही निकालनी है वैल्यू, माइनस ए की नहीं. दैट्स व्हाई आई एम शिफ्टिंग माइनस ऑन द अदर साइड. नेक्स्ट सिंपलीफाई, नेक्स्ट इज सिंपलीफाई 81 रेज टू पावर माइनस 1 बाय 2 raise to power minus 1 by 4, then raise to power 2. 81 raise to power minus 1 by 2, again raise to power minus 1 by 4, then raise to power 2. अब हम इसमें हमने कौन सा rule, law of exponent लगाएंगे, that whatever powers are on the top, they get multiplied all. So we will be having 81 raised to power minus 1 by 2 minus 1 by 4 into 2. 2, 2 get cancelled. So 81 raised to power 1 by 4. As denominator is 4, so you have to break 81 in such a way such that it is the power of some number 4 times. 3 ki power 4. 4, 4 get cancelled. So the answer is 3. Next, बेटे हमारे पास रूल था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का. अच्छा यहाँ पे तो आप सीधी सी बात है, मैं बाहर लाके काट देती हूँ, पावर्स मल्टीप्लाई हो गई, मैंने अंदर ही काट दिया, एक ही बात है. नेक्स्ट 5/6 रेस टू पावर 1/5 देन रेस टू पावर माइनस 1/6. 5/6 raised to power 1/5, then raised to power minus 1/6. This is 5/6, 1/5 minus 1/6, minus 1/30. 5/6 raised to power minus 1/30. पॉजिटिव पावर में लिखने हमें अगर आंसर, वैसे डिपेंड करेगा आपके एमसीक्यूज के ऑप्शन पे, कि अगर तो नेगेटिव पावर में आंसर दिया हुआ है तो यू विल राइट इट अकॉर्डिंगली, बट अगर एमसीक्यूज में पॉजिटिव पावर में आंसर है तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिव पावर बाय लाइकिंग दिस. 6/5 रेज टू पावर 1/30. नेगेटिव पावर बिकम पॉजिटिव पावर इफ द नंबर गेट्स रेसिप्रोकल. 7th-8th में हम करके आए हुए हैं एक्सपोनेंट के इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन, कि अगर हम नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो अंदर वाले नंबर को क्या कर दो, रेसिप्रोकल. नेक्स्ट, हाँ जी, ओ हाँ आगे नहीं, इसको सॉल्व करो. Which of the following is by which of the following PX is equal to, by which of the following PX is equal to two x cube minus 11x square minus 4x plus 5. By which of the following PX is equal to this is exactly divisible. Option A is 2x minus 1. Option B is
2x plus 1, option C is x plus 5, and option D is 2x plus 3. इनमें से किसके साथ जो पीएच है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है? तो क्या रूल होता है एग्जैक्टली डिविजिबल जज करने के लिए? हम क्या निकालते हैं? रिमाइंडर. पॉलिनोमियल्स इस पर है? मेरे को फिर डाउट होने लगा, पॉलिनोमियल्स नहीं है. हाँ, ये नेक्स्ट टर्म में है, सॉरी. अदरवाइज ये ऑप्शन वॉज करेक्ट. एनी हाउ, चलो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं. मेरे माइंड में पॉलिनोमियल्स पता नहीं कैसे आ गए. If two angles of a right angle triangle, if two angles of a triangle are, if two angles of a triangle are complementary, then what type of triangle will be formed? Then what type of triangle will be formed? If two angles of a triangle are complementary, right angle triangle बिल्कुल ठीक. देखो जरा, दो angles complementary हो गए, मतलब कि उनका sum 90 degree है. तो तीसरा एंगल नेचुरली 90 होगा, तो इट मींस दे आर, इट विल बी फॉर्मिंग राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल. इन द गिवन फिगर लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, एन इज ट्रांसवर्सल, व्हाट विल बी एक्स? लवण्या कैसे निकालेंगे? को इंटीरियर. हाँ, को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180. So x is 180 minus 44. 136. What is the common between three angles of a triangle and a linear pair? What is the common between three angles of a triangle and a linear pair? Triangle के तीन angles और linear pair में दोनों का sum 180 होता है. अगर हम तीन angles of triangle की बात करें, उनका sum भी 180, and if we are talking about the linear pair of the angles, their sum is also क्या 180 degree. In the given figure, line L parallel to line M, given figure line L is parallel to line M,
then what will be the value of x? कितना? 40 डिग्री. वैसे तो सीधा ही पैरेलल लाइन का कोई कॉन्सेप्ट लग ही नहीं रहा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग रही है. वन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर. सो यू कैन राइट 70 इज इक्वल टू एक्स प्लस 30. सो एक्स इज 40, दैट इज 40. Let us do the next. Find the value of x Find the value of x चलिए सो एक मिनट दीजिए. एक एंगल और दिया हुआ है 45 डिग्री. दिस इज 45, दिस इज 30, दिस इज 20 एंड दिस एंगल इज x. सबसे पहले तो आप इसको फाइंड करोगे ना. ये वैसे इतना दूर जाने की जरूरत नहीं, नवनीत ठीक कह रही है कि ये दो एक्सटीरियर है यहां से निकल जाएगा. सम ऑफ टू एक्सटीरियर 75, फिर इन दोनों का सम ऑफ एक्सटीरियर 95. एक मिनट में आंसर आ गया. Let us do the next. In the given figure, the line AB is parallel to line CD and CD is parallel to EF. AB is parallel to CD and CD is parallel to EF. So we need to find the value of X. We need to find the value of x. कैसे? इक्वल. हाँ बिल्कुल ठीक. सबसे पहले 140 एंड 1, दे आर फॉर्मिंग को इंटीरियर एंगल्स. तो यहां से 1 की वैल्यू आ गई 40. एंगल 1 कम्स आउट टू बी 40. अब ये जो 60 है और ये जो टोटल एंगल है, दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो यू कैन राइट 60 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 40, एक्स कम्स आउट टू बी 20. In the given figure, AB is parallel to DC. AB is parallel to DC. Bate ban. AB, it is parallel to DC. And angle BDC is equal to 30 degrees. And angle BAD is equal to 80 degrees.
फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीस अननोन्स। सबसे पहले तो ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों क्या बने, कोइंटीरियर एंगल्स, देयर सम विल बी 180। y comes out to be 70, y की वैल्यू 70 आ गई, तो इसकी आ जाएगी यहां से 70 माइनस 30, दिस बिकम्स 40। एंड नाउ यूज दिस ट्रायंगल, अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन दिस ट्रायंगल, दिस इज 40 प्लस 30 70 एंड दैट इज 110। थर्टी एंड एक्स को ऑल्टरनेटिव इंटीरियर कर सकते, एंगल सम प्रॉपर्टीज दोनों तरीकों से आ जाएगा, चाहे आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यूज कर लो और यू यूज एंगल सम प्रॉपर्टी, बोथ आर इक्वल। चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट। इन द गिवन फिगर AB is parallel to BC. If X is equal to 4Y over 3 and Y is equal to 3Z over 8, then find angle BCD and angle ABC. BCD and ABC are to be find out. Values दी हुई है हमें. Here it is X. It is Y. Z. 30, 60. X is equal to 4Y by 3. Y is equal to 3Z by 8. And these values are given. And only this thing is given that the lines are parallel. AB parallel to CD, और अगर हम AD को नहीं BD को ट्रांसवर्सल लें, then Y is equal to नहीं होगा, अगर BC को ट्रांसवर्सल लेते हैं तो ये वाला और ये वाला को इंटीरियर बनता है। एक मिनट करके देखते हैं, हम बीसी को ट्रांसवर्सल लें, कोई रिलेशन आ जाएगा उसको यूज कर लेंगे। टेकिंग बीसी एज ट्रांसवर्सल सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स 180, राइट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई एंड मोर ओवर राइट, यू कैन राइट जेड इन टर्म्स ऑफ वाई ऑल्सो। जेड की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 8y ओवर 3, इसको भी लिख सकते हो आप, दिस इज 180, 3 एलसीएम 4y 3y 8y 15y ओवर 3 180, सो y इज 180 ओवर 5, y की वैल्यू कितनी आ गई 36, y comes out to be 36, और जब y आपका आ गया तो x आ गया, x आ गया तो सॉरी y आ गया, x भी आ जाएगा, y आएगा तो z भी आ जाएगा। सिर्फ एक ट्रांसवर्सल ने हमारा सारा काम कर दिया, 36 का कहीं कोई यूज ही नहीं हुआ, राइट? को इंटीरियर एंगल्स बन रहे थे, सम 180 है, मैंने देखो एक इक्वेशन से कभी भी तीन वैल्यूज नहीं निकल सकती, अगर मैं कहूँ कि इस इक्वेशन से मैं x y z तीनों की वैल्यू निकाल लूं, इट्स नॉट पॉसिबल, फ्रॉम वन इक्वेशन वी कैन फाइंड ओनली वन वैल्यू, तो मैंने इसलिए सारी इक्वेशन को इस गिवन को यूज करते हुए किसमें चेंज कर दिया, वाई में चेंज कर दिया, एंड अकॉर्डिंगली यू गेट द आंसर। ठीक होगी बात,
चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट. चलिए भी सो फ्रॉम मंडे योर एग्जाम्स आर गोइंग टू बी स्टार्टेड. सो ऑल द बेस्ट. अच्छे से पेपर करना अपना. बिलीव योर सेल्फ एंड लीव रेस्ट टू गॉड.